गोरखपुर न्यूज चैनल के संपादक श्री हनुमान सिंह बघेल जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के क्षेत्र में जिस उत्साह से गोरखपुर न्यूज चैनल की स्थापना कर अपने मनोयोग और कर्मठता से समाचार जगत में सार्थक ख्याति अर्जित की वह अत्यंत प्रशंसनीय और गौरवशाली है। गंभीर स्वभाव के मृदुभाषी बघेल जी ने उक्त चैनल को अपने श्रम साध्य तत्परता से एक नवीन आयाम प्रस्तुत किया। निर्विवाद रूप से कार्यरत रहते हुए निष्ठापूर्वक अपने पात्रता को निभाते हुए अंततः वे श्री चरणों में लीन हो गए। गोरखपुर न्यूज चैनल के संपादक व निदेशक स्वर्गीय हनुमान सिंह बघेल जी का 2 फरवरी को हृदय गति रुकने से निधन हो गया। आपको बता दें कि स्वर्गीय हनुमान सिंह बघेल का जन्म 5 दिसंबर 1968 को देवरिया जिले के बैतालपुर में हुआ था, जो कि मूल रूप से ग्राम अहिरौली बघेल ब्लॉक बनकटा जिला देवरिया के मूल निवासी थे। 1985 से गोरखपुर के अशोक नगर बसारतपुर में रहने लगे और गोरखपुर के सेंट्रल ड्यूज डिग्री कॉलेज से स्नातक की पढ़ाई पूरी की। उसके बाद दैनिक जागरण समाचार पत्र में रिपोर्टर बनकर 4 साल सेवा दी और समाज की अच्छी खबरों से लोगों को अवगत करवाया। उसके बाद स्वर्गीय हनुमान सिंह बघेल राप्ती कॉम्प्लेक्स व्यापार समिति के अध्यक्ष बने, जो कि अभी तक थे। उन्होंने 2013 में गोरखपुर न्यूज चैनल की स्थापना की और लगातार संघर्ष करते हुए गोरखपुर न्यूज चैनल की एक अलग पहचान बनाई, जो कि बहुत ही निडर व संघर्षशील व्यक्ति थे और एक अच्छे क्रिकेटर थे। 2017 में प्रदेश में योगी सरकार बनने के बाद मुख्यमंत्री योगी से मिलकर प्रदेश में लोकल चैनल को आगे बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई। उन्हीं की देन है कि आज प्रदेश में लोकल चैनल चल रहा है। उन्होंने सरकार की विभिन्न योजनाओं को चैनल पर प्रसारित करके लोगों को अवगत करवाया। इसके अलावा जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जनता के मुद्दों को चैनल पर उठाकर सरकार का ध्यान आकर्षित किया, जिनका 2 फरवरी को हृदय गति रुकने से निधन हो गया, जिसकी वजह से चैनल बंद था, जो कि 18 फरवरी से स्वर्गीय हनुमान सिंह बघेल की स्मृति में पुनः शुरू हो गया। गोरखपुर न्यूज चैनल परिवार की तरफ से स्वर्गीय हनुमान सिंह बघेल को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। मुख्यमंत्री ने पत्र जारी कर श्री हनुमान सिंह बघेल जी के असामयिक निधन पर शोक संवेदना और गहरा शोक व्यक्त किया और उनके परिवार को सांत्वना दी। गोरखपुर न्यूज परिवार उनके कर्तव्य परायणता और जनमानस के जागरूकता के प्रति समर्पित उनके आदर्शों को नमन करता है।